शब्बीर का कहना है कि बाज अफराद इतने माहिर और चालाक होते हैं कि किसी की भी आंखों में धूल झोंक सकते हैं। मडरांझा में भी शब्बीर ने एक ऐसे ही किरदार को देखा है। ये किरदार किसी मर्द का नहीं, औरत का था, जो एक मामूली मेहनतकश इलेक्ट्रिशियन की बीवी और चार छोटे छोटे बेटों की माँ थी। मैं हूँ पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि जावेद नामी इलेक्ट्रिशियन मोटरसाइकिल पर एक छोटा सा बैग रखे सफर कर रहा था। फिर उसकी मोटरसाइकिल एक गली में मुड़ी, जहां उसने एक दरवाजे के सामने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और दरवाजे की बेल बजा दी। एक शख्स ने दरवाजा खोला। यार तुम्हें कल से कहा हुआ है, अब आए हो तुम? अरे चल साहब, मैं गांव में ही नहीं था, जैसे ही पता चला फौरन आ गया। कमाल है। अच्छा आ जाओ। हाँ, वो दोनों घर की अंदरूनी सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर पहुंच गए। जावेद ने सोलर पैनल और बैटरी वगैरह का मुआयना किया और फिर अपना टूल बॉक्स खोल कर काम करने लगा। अच्छा ये बता, इसकी बैटरी तो नीचे लगी हुई है ना? हम तो नीचे कमरे में। एक मिनट, इससे मैं सही कर दूं। मसला यहाँ से नहीं है, मसला कुछ अलग ही है। चलो एक काम करते हैं, नीचे नीचे आओ, नीचे आओ। चलो आ जाओ। जावेद ने जल्दी अपना काम निपटाया और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरकर लाइट जला कर भी दिखा दी। यार जावेद, तुम्हारा गुजारा हो जाता है इस महंगाई में? तुम्हारे सिवा गांव में कोई और इलेक्ट्रिशियन तो नहीं है? अल्लाह का शुक्र है चौधरी साहब, हो ही जाता है गुजारा। आपको पता है महंगाई तो है ही, अल्लाह का शुक्र है चल रहा है, और मैं ही एक इलेक्ट्रिशियन हूँ बस। अच्छा वो आपके पास टेस्टर वगैरह है? अच्छा रहने दे, रहने दे, कोशिश करता हूँ ऐसे ही हो जाए। ये हो गया। अब जब भी आपकी लाइट जाएगी ना, तो सोलर पैनल के ऊपर पूरा कन्वर्ट कर दिया मैंने, अब इंशाल्लाह कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वेरी गुड, चले मैं चलता हूँ। जावेद चार छोटे छोटे बच्चों का बाप था, लेकिन था मेहनत कश। जावेद जितना सादा था, उसकी बीवी उतनी ही तेज और चालाक थी और अपनी सास को अपने रोब में रखती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जावेद की माँ चूल्हे पर थी कि जावेद की बीवी फोन कान से लगाए हुए कमरे से निकली और सास पर गुस्सा करने लगी। अम्मा तुमने अभी तक खाना नहीं तैयार किया। तुम्हें पता है मेरा कजन आया हुआ? कजन आया हुआ? वो कब आ गया? तुमने मुझे बताया भी नहीं। अब हर बात तुम्हें बताने वाली होती है क्या? जावेद की बीवी जाने के लिए मुड़ने लगी तो उसका फोन फिर कानों से लगा हुआ था। उसने शौहर के अचानक लौटने पर भी किसी हैरानी का इजहार नहीं किया और कमरे के अंदर चली गई। तू क्या हर वक्त फोन पे लगी रहती है? शौहर आया दिखता नहीं है कि आदमी चाय पानी का पूछ ले? तेरी माँ है ना, उससे बात कर, वो करके देगी ना। नजर हम मसरूफ हूँ। किस बात की मसरूफ है? मेरे कजन का फोन आया, उससे बात कर रही हूँ। आई समझ में? एक कजन से तू फोन पे बात कर रही है, एक कजन तेरा घर पर है, ये वो अंसर वही तेरा कजन है ना जैसे तू अपना पुराना मोहल्लेदार कहती थी? कर ले बहस, क्या बिगाड़ा वो तेरा है? क्या बिगाड़ा है? वो मेरा दोस्त है, मेरा कजन है। जा जा, करना है कर ले। सर इधर आजा। मेरे खुदा, अम्मा इसने आज फिर नशा किया हुआ है। ये इसका कजन जो आया हुआ ना, वही करवाता है इसे नशे। आज छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। ए रोक इधर। अम्मा समझा अपने बेटे को, पागल हो गया ये, पता नहीं किन किसके साथ बैठता है, क्या क्या करता है। छोड़ दो बेटा जावेद, इसके मुंह ना लग। अम्मा इसे समझा दो, इसका कोई दोस्त कोई कजन मेरे घर में दोबारा नहीं आना चाहिए। हाँ, नहीं आएगा मेरा कजन। वैसे भी तुम दोनों जाना किसी से मिलने के काबिल भी नहीं हो। बड़ा आया कजन यार, ये बात तुम छोड़, दिमाग खराब कर रहा था। जावेद की बीवी खुले आम अपने शौहर को धोखा दे रही थी, लेकिन जावेद बच्चों की खातिर खून का घूंट पीकर उसे बर्दाश्त कर रहा था। अब वो अपने आशना से घर के बजाय बाहर मिलने लगी थी। शब्बीर ने देखा कि जावेद की बीवी अपने आशना के साथ सैर तफरी कर रही थी। फिर वो एक जगह टहल टहल कर उससे बातचीत करती दिखाई दी। अरे छोड़, जब मैं नहीं डरती तो तुम क्यों डर? अच्छा सुन। बोलो। मैं एक बहुत बड़ी उलझन में।
चार बच्चे हैं मेरे, महंगाई देख रहे हो तुम तो अगर मैं जावेद से तलाक ले लूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर तुम संजीदा हो तो मैं तो कर लूंगा शादी। वैसे ये ताल्लुकात तुम्हें बुरे लग रहे हैं क्या? नहीं, नहीं तो? तो फिर जैसा चलना है चलने दो। मेरा जी करता है कि जावेद को दुबई का वीजा लगवा के हमेशा के लिए वहीं भेज दूं ताकि मेरी जान छूट जाए। हमेशा के लिए उसको दुबई भेजने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ और मैं जावेद को फोन करके उसको यहाँ बुलवा लूंगी, उसके साथ घर चली जाऊँ। वो पूछेगा नहीं तुम्हें तुम यहाँ क्या कर रही थी? तुम्हें क्या करना है कि वो मुझसे क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, वो मेरा मामला है, जाओ। जावेद की बीवी का आशना मोटरसाइकिल लेकर चला गया। वो उसे दूर तक जाता देखती रही, जिसके बाद उसने अपने शौहर को फोन कर दिया। अच्छा सुनो, ये पेट्रोल पंप की पीछे वाली गली है ना, मैं वहाँ खड़ी हूँ, तो मुझे लेने के लिए आ जाओ। अच्छा ठीक है, आता हूँ। अरे आ जाओ ना, जल्दी आ जाओ। क्या हो गया, क्यों खड़ी हो, क्या मसला है? सारे सवालों के जवाब देने के लिए नहीं खड़ी हुई हूँ मैं, जल्दी आओ। अरे हाँ बोला ना, आता हूँ। हर कोई बाप बना हुआ है, वो बाप बन रहे हैं और ये भी बाप बन रहे हैं। थोड़ी देर में जावेद नहर किनारे पहुंचा तो वो मुंडेर पर बैठी हुई दिखाई दी। अब वो दोनों खामोशी से घर की तरफ जा रहे थे। बीवी घर में दाखिल होते ही अपने कमरे में बंद हो गई और जावेद की माँ जो ये सब कुछ देख रही थी खामोश रही और अपने बेटे को खामोश रहने का इशारा करने लगी। जावेद की बीवी ने शादी के बाद अंसर से ताल्लुकात उस वक्त पैदा किए थे जब वो एक बस अड्डे पर अपनी माँ के साथ घर जा रही थी। अंसर उसे बस अड्डे पर मिला था और जावेद की बीवी ने उससे फौरी तौर पर दोस्ती गाड़ ली थी और अब उसे दीदा दिलेरी के साथ खुल्लम खुल्ला मिल रही थी। शौहर ने जब्त की इंतहा कर दी थी, लेकिन अब जावेद की बीवी को अंदाजा हो गया था कि अब उसका शौहर उसकी जान भी ले सकता है। शब्बीर ने देखा कि जावेद की बीवी अपने आशना से फोन पर बात कर रही थी। वो उसे सूरत हाल की संगीनी से आगाह कर रही थी। फिर उसकी हरकत और सकनात से लगा कि जैसे वो अपने शौहर को रास्ते से हटाना चाहती हो। तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना। जावेद की बीवी ने एक दिन अपने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर का गला दबा दिया था और लाश ठिकाने लगाकर मामूल की जिंदगी गुजार रही थी। इधर मकतूल की मां ने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसके नतीजे में बिला आखिर शौहर की कातिल बीवी और उसका आशना पकड़ा गया। ये खूबसूरत और पुरसुकून सा इलाका जो आप देख रहे हैं, मकतूल यहीं रहता था, यहीं मेहनत मजदूरी करता था। उसके कत्ल के बाद उसकी बूढ़ी माँ, रिश्तेदार और बच्चे मुसलसल एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। वैरिंग वगैरह पखियां दा इस्त्रियां दा काम करता ही माड़ा मोटा है, ये ओदा रोजगार ही आई बच्चियां दा रहे बुढ़ी माँ से इन वास्ते जड़ा 200-400 लै हुंदा ही खा पांदे आ, और ओदा कोई इंदा और कारोबार कोई ना ही, ये ओपल एक्ट्रेशन दी थोड़ा बड़ा जड़ा ये करता है। तेरा मेरा काम करता, मेहनत करता, उन खर्चा देंदा, उस बड़ी ज्यादती कीती है जवेद नाल, बड़ा जुल्म कीता है। जिवें जवेद नु मारिया सिंह सन बोई हुई वह चाहती है, ये साड़ी अपील है, हुकूमत अगे भी अपील है कि उसते तरस करन, जवेद इस बूढ़ी ते तरस करन, ठीक है उसकी रिहाई न करन, उन फांसी। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो कुछ यूं है। मुख्तलिफ नंबर्स की सीडीआर लेने पे हमें मालूम हुआ कि इसकी वाइफ सबा बीबी का इस रिपोर्ट में इस्तेमाल होना पाया गया, जिसको हमने सामने तफ्तीश किया, जिसने इस बात का इंकशाफ किया कि मैंने अपने आशिक अंसर कलियार के साथ मिलकर 16 मार्च 2023 को बवकत 4-5 बजे शाम बादला के इलाके में हमने उसे गला दबाकर मार दिया। बाप खत्म हो चुका है और चारों छोटे छोटे बच्चे अपनी दादी के रहमो करम पर हैं। ये बच्चे भी मेहनत मजदूरी करते और जलाने के लिए भारी भारी लकड़ियां हाथों में उठाए घर लौटते दिखाई दे रहे हैं। शब्बीर ने मडरांझा में पेश आने वाले इस सफाक और अफसोसनाक वाके की मजम्मत की है और अपील की है कि मकतूल के बच्चों की कफालत का कोई न कोई बंदोबस्त जरूर किया जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।
शब्बीर ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो ख्वाब देखते हैं और उनकी ताबीर पाकर ही दम लेते हैं। तदबीर पर भरोसा करने वाले कभी कभी तकदीर से हार भी जाते हैं, लेकिन वो मायूस नहीं होते। मैं हूं पारस मसरूर और आज मैं आपको दिखा रहा हूं एक ऐसे ही शख्स की कहानी। रिहाड़ी के इलाके अजीमाबाद के रिहायशी जमील को शब्बीर ने देखा तो वो एक वेल्डिंग की दुकान में काम कर रहा था। आग का तेज शोला लोहे को पिघला रहा था और जमील महारत से काम में मसरूफ था। काम खत्म करके उसने अंदर जाकर कपड़े तब्दील किए और फिर हाथ पांव धोकर बाहर आ गया जहां दुकान का मालिक बैठा हुआ था। अच्छा हाँ भाई, सेठ आपको तो पता है अब फसल की कटाई शुरू हो गई है तो बस आज मेरे काम का आखिरी दिन था तो अब मैं इसके बाद दुकान पे नहीं आऊँ। हाँ ये बात तो है। अच्छा सुना है आपके जो है गंदम की कटाई बहुत अच्छी हुई है। अरे सेठ, गंदम की कटाई अच्छी हो कम हो या ज्यादा हो उससे गरीब आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जमींदार लोग भाई इतना ही देते हैं कि हम गरीबों का गुजारा हो जाए। हाँ ये जमींदार बहुत जालिम होते हैं। अच्छा बरन, मैंने तुम्हारा हिसाब किताब करके रखा हुआ है, आप जो है पैसे ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ, अल्लाह आपको खुश रखे। जमील चला गया तो सेठ अपने एक साथी से जमील की खूबियां बयान करने लगा। बेचारा यहाँ अलग मेहनत करता है, वहाँ खेतों में अलग मेहनत करता है। मैंने भाभी इसको लोहा मजदूर बहुत सख्त जान और मेहनती था। गंदम की फसल तैयार हुई तो खेत में भी मेहनत मजदूरी करता था। छोटे छोटे बच्चे थे, उनसे प्यार करता था और अपनी बीवी का ख्याल रखता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जमील का एक छोटा बच्चा हाथ में एक प्लास्टिक का गुड्डा लिए हुए था। गुड्डे की टांग टूटी हुई थी और उससे वो जुड़ नहीं रही थी। अभी देखना मैं इसको ऐसा जोड़ दूंगा, देखना भागने लग जाएगा। जमील अपने बच्चे को दौड़ कर दिखा रहा था। इस दौरान उसकी बीवी ने उसे आवाज दी, तू कहाँ खिलौनों में लगा हुआ है? जा जाके ना जमींदार को बोल दो कि आज मैं काम पे नहीं आऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दवाई वगैरह ली? हाँ वो गोली मैं खा लूंगी, मैं जा रही हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ। अच्छा चल ठीक है, तू आराम कर, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा बेटा मैं जा रहा हूँ। जमील उस जम्बू को घर से निकल कर खेतों की तरफ जाते और वहाँ मजदूरी करते देखा गया। फिर वो थक हार कर एक पलंग पर बैठा हुआ दिखाई दिया। अबे जमील क्या हाल है, थक गया क्या भाई? अरे नहीं सेठ, हम जैसे मजदूर लोग कहाँ थकते हैं, बस अभी आया हूँ, हवा बड़ी अच्छी चल रही थी, मैंने सोचा थोड़ी ठंडी हवा खा लूँ बस। तो सुना है पेड़ में चोट वोट लग गई थी? नहीं नहीं सेठ, वो असल में दाना हुआ था ये, अब उसका निशान है। हाँ। शाम को जाएगा, जाते हुए थाक लेता हुआ जाना अपने। अरे सेठ बहुत बहुत मेहरबानी सेठ, बस तुम थाक देते हो, बच्चे खाते हैं और दुआ देते हैं तुम। उस रोज जमील को घर लौटने में देर हो गई थी और उसकी बीवी इंतजार कर रही थी। शब्बीर ने देखा कि जमील की बीवी चौखट पर खड़ी अपने शौहर की वापसी का रास्ता देख रही थी कि एक लड़का उसके पास दौड़ता हुआ आया। वो खासा घबराया हुआ था। जमील भाई का पौना मशीन में आ गया। अल्लाह खैर करे, कहाँ है तेरे भाई? जमींदार उनको अस्पताल लेके गया। चल जल्दी चल, तुम लोग अपना ख्याल रखो। वो मेहनतकश जिसे अपनी कुव्वत बाजू पर भरोसा था आज तकदीर के हवाले था। डॉक्टरों ने उसकी एक टांग काट दी थी, साल भर वो अस्पताल में रहा। उसके बच्चे फाकों से मरने लगे तो बीवी ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी। शब्बीर ने देखा कि शदीद गर्मी में जमील की बीवी तंदूर पर रोटियां लगा रही थी और गांव के लोग रोटियां खरीद रहे थे। जमील के दो छोटे बच्चे भी अपनी माँ की मदद कर रहे थे। इसी दौरान शब्बीर ने देखा जमील उस जम्बू एक बांस के सहारे लंगड़ाता हुआ तंदूर के पास पहुंच गया। अरे डॉक्टर ने मना किया है, तुम चल रहे हो, जाके बैठो एक तरफ। अरे खैर खैर। अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि वो आरी पड़ी थी ना अपने घर में, वो कहाँ है? अरे क्या करना है उसका, चल फिर मेरे साथ। रुको भाई मैं भी आ रही हूँ, सबर करो चलो। जमील की बीवी तंदूर से उठकर अपने शोहर को सहारा देते हुए दालान में ले गई जहाँ वो एहतियात से जमीन पर बैठ गया। मैंने कुछ सोचा है, वो सुन के ना तू खुश हो जाएगी। क्या सोचा है? मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह ना मसनूई टांग का बंदोबस्त कर लो। ये क्या होता है यार? जैसे हमारी इंसानी टांग होती है इसी तरह लकड़ी की टांग बन जाएगी।
लेकिन वो तो बहुत महंगी आएगी। तू एक काम कर, मेरे कुछ बुंदे और अंगूठियां जो पड़ी है ना, वो तो जाके ना बेच दे, कुछ पैसे ही आ जाएंगे, उससे खरीद ले जाके। नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं होगा ना। जाहिर है वो सोना जेवर जो भी कुछ है, तेरे माँ बाप ने बड़ी खुशी से तुझे बना के दिया है, भला तुम वो कोई बेचूंगा मैं? और फिर मैं तुझसे आरी का पूछ रहा हूँ ना, तो मैं कोशिश तो यही करूंगा ना कि वो मसनूई टांग मैं खुद बनाऊ। बस तू मुझे ये बता दे आरी कहाँ है, मैं खुद ही कोशिश करके खुद ही बनाऊ। बिहाड़ी के इस बाहिम्मत गरीब मजदूर ने मसनूई टांग के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, बल्कि खुद अपनी टांग बनाई और कामयाबी से चलने फिरने भी लगा। ये है जमील, आप इस बाहिम्मत इंसान को देख सकते हैं। माजूरी के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और अब भी उसी मेहनत और लगन से काम करता है। बचपन तो मैं काम सीखे हुए ऐसी, इस वजह तो मैंने थोड़ा बहुत काम आंदा सी, मेरी लाता आ गई सी, कट्टी गई सी, मसलन किसी मसले के बीच आ गई सी, हादसा हो गया सी मेरे साथ। तो उस तो बाद मैं यानी कि समोसे पकौड़े का भी काम किया वा, छोटा छोटा करके थोड़ा थोड़ा मेहनत भी की है, शुरू तो मेहनत की है। मेरी बीवी सी, मेरी बीवी ने नाल मेरे मेहनत की है, तंदूर चलाया सी, रोटियां पकाइया, होटल बनाया, फिर समोसा पकौड़ा लाया, फिर उस तो बाद मैं यानी कि अपना काम करना वा, रोजी दिहाड़ी करना वा, तो दिहाड़ी करके अपने बच्चे पालना वा। अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए जमील जो कुछ कर सकता था उसने किया, लेकिन वो कोई हार्डवेयर इंजीनियर तो था नहीं कि उसकी बनाई हुई टांग ज्यादा देर तक उसका साथ देती। जमील ने शबीर को बताया कि अब वो तकदीर के आगे बेबस हो गया है, उसकी बनाई हुई टांग उसके ज्यादा काम नहीं आ सकती। उसने खुद को जख्मी भी कर रखा था और बाजार में मसनूई टांग की कीमत 4 लाख रुपए है। जमील की गुफ्तगू एक बार फिर सुन लीजिए। तीन मेरे बच्चे, एक मेरी बेटी या दो मेरे बेटे या, ते मेरे घर तो होर कमाने वाला कोई नहीं है। ते मेरे यानी कि ना पंजाब हुकूमत नाल मेरी यही अपील है कि मेरी यानी कि मैं लत लवा लवा, बस ये जो कि मेरे को पैसे कोई नहीं है, बाकी मैं अपनी मेहनत करके अपनी रोजी कमाना वा, खाना वा, अपने बच्चे पाल लवा। जमील जहाँ काम करता है वहाँ उसके एक साथी ने भी जमील की हिम्मत को सराहा और बताया कि मसनूई टांग जमील के लिए कितनी जरूरी है। ते अपनी मेहनत करके आप खाए गए, बेचारे मजदूरी है, बड़े अरसे तो मजदूरी है। ये घूमते पंजाब से मैं अपील करता हूँ कि ये तावन किया जाए, इन अंदाज मुखजर हजरात ये तावन कर। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जमील ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी, वो अभी तक अपनी ही बनाई हुई लकड़ी की टांग के सहारे चल फिर रहा है और मेहनत मजदूरी कर रहा है, जबकि उसकी बीवी भी तंदूर पर रोटियां लगाकर बच्चों का रिस्क कमा रही है। शब्बीर ने जमील के अज़्म हौसले की तारीफ की है और मुखय्यर हजरात और सरकारी जिम्मेदारों से अपील की है कि जमील जैसे मेहनत कशों की मजदूरी की मुश्किलात कम की जाएं और जमील के अलावा भी मुल्क भर में पाए जाने वाले मजदूरों को मसनूई अज़ा की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने उकाड़ा में एक ऐसे बाहिम्मत और बासलाहियत नौजवान को देखा है जिसे अभी हाल ही में इंजीनियरिंग की डिग्री मिली थी। इस डिग्री का हुसूल मोहम्मद जीशान के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक हादसे ने उसके दोनों हाथ छीन लिए थे। फिर ये सब कुछ कैसे हुआ, सुनिए शब्बीर की जबानी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। ये हंसता मुस्कुराता चेहरा मोहम्मद जीशान का है। जीशान की कहानी बहुत दुख भरी है, लेकिन अब ये सब कुछ माजी का हिस्सा है। ये नौजवान जिसे आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते देख रहे हैं, 9 बरस की उम्र में एक हादसे का शिकार हो गया था। हुआ ये था कि छत पर अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलते हुए उसका हाथ हाई टेंशन लाइन की जद में आ गया था। जीशान की जान तो बच गई थी, लेकिन उसके दोनों हाथों को काटना पड़ा था। जरा खुद ही सोचिए कि 9 साल प्यारे से बच्चे के हाथ कट जाएं तो उसके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। जीशान के वालिद वापडा में मुलाजिम थे, अपने बच्चे के इलाज के लिए दौड़ धूप करते रहे और फिर खुशकिस्मती से शालामार अस्पताल लाहौर में चैरिटी हाउस से राब्ता हुआ और फिर जीशान को इलाज के लिए अमरीका भेज दिया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसके 2 मसनूई हाथ लगा दिए जो बिल्कुल असली हाथों की तरह काम करते हैं। ये मसनूई हाथ आप देख सकते हैं, जिससे जीशान हर काम खुद कर लेता है। इन मसनूई हाथों ने जीशान की जिंदगी ही बदल कर रख दी।
अमेरिका से मसनूई हाथ लगवाने के बाद जब जीशान पाकिस्तान वापस आया तो उसने तालीमी मैदान में गैर मामूली जहानत और मेहनत का मुजाहरा किया और फिर अब कुछ अरसे पहले उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री भी मिल गई। जीशान ने इन्हीं मसनूई हाथों से काम लेते हुए मोबाइल से कंट्रोल की जाने वाली एक कार भी बना डाली, बल्कि सिर्फ आवाज के जरिए भी कार को कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो एक छोटी सी नन्नी मुन्नी कार फर्श पे चल रही है, दरअसल जीशान को खराज तहसीन पेश कर रही है और शायद कह रही है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। जीशान ने माजूरी से मायूस होने के बजाय उसे अपनी ताकत में तब्दील कर दिया। ये देखिए जीशान अपनी सलाहियतों का किस तरह मुजाहरा कर रहा है। अपने मसनूई हाथों और पाओं की उंगलियों से कंप्यूटर गेमिंग और ड्राइविंग की जबान लिख रहा है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, स्ट्रगल करनी पड़ी, लोगों की बातें सुननी पड़ी, बट अल्लाह के शुक्र से मेरे हौसले बुलंद थे, मुझे डर नहीं था किसी चीज का और मैं सिर्फ अल्लाह की बात से डरता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह पाक ने एक सूझबूझ दी हुई थी और मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा एंड नाउ आई हैव डन माय बैचलर इन कंप्यूटर साइंस एंड मैं अब लाहौर वर्किंग कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, बट अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ और मैं पाकिस्तान के लिए कुछ न कुछ करना चाहता हूँ। मोहम्मद जीशान ने अपनी माजूरी को शिकस्त दे दी है लेकिन कुछ लोगों के रवैये से मायूस भी है। उसे माजूरी की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया गया जबकि वो पूरी तरह ड्राइविंग सीख चुका है। शब्बीर ने जीशान को अपने घर में काम काज करते, चलते फिरते, मसनूई हाथों से दरवाजा खोलते और मेहमानों को खुशामदीद कहते देखा है, लेकिन कहीं से ये नहीं लगता कि जीशान किसी माजूरी का शिकार है। और हकीकत भी यही है कि जो काम हकीकी हाथ कर सकते हैं, इस तरह का काम ये मसनूई हाथ भी कर लेते हैं और शायद बहुत अच्छी तरह से। ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियर जीशान जो अपनी जिंदगी और जिद्दोजहद के बारे में बता रहे हैं। मैंने ना लाइफ में बड़े से स्टूडेंट बच्चे भी देखे हैं, लोग भी देखे हैं जो इस डिसेबिलिटी के बाद जो है ना वो पढ़ाई छोड़ जाते हैं और लोगों से बातचीत करना छोड़ जाते हैं और वो फिर अब पिसते ही रहते हैं लोगों की बातों में। अगर लोगों की बातें सुनते रहेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू नीड एनी गाइडलाइंस मुझे वो कभी भी अप्रोच कर सकते हैं, मेरा लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, कहीं भी अप्रोच करके मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं कि मैंने लाइफ में अपनी स्ट्रगल कैसे की है, लोगों को कैसे फेस किया है। जीशान के वालिद अब खुश हैं कि उनके बेटे ने माजूरी को शिकस्त दे दी है। पंजाब कॉलेज से ICS किया, उसके बाद कॉमसेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री जो है ना वो उसने हासिल की। मुश्किलें तो आती हैं कि जिस वक्त बच्चे को कपड़े भी पहनाने होते हैं, बच्चे को जेब खर्च देना होता था तो वो बच्चा जेब आगे कर देता था टेढ़ा होके कि पापा इसमें डाल दो। वो उस वक्त दिल भी दुखता था कि बच्चे को बालक इसके हाथ एक ही हाथ होता था, चलो कम से कम ये बच्चा अपना कोई ना कोई काम कर लेता। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उस जात का कि इस हालत में होकर भी बच्चे ने कॉमसेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। उसका बड़ा हौसला मैं कहनी हूं भी उन्हें अपनी मजदूरी भी मजदूरी नहीं समझे, आज जिस मुकाम से पहुंचे हैं मैं उधर तो फख्र कर दी हूँ। अल्लाह पाक की जात से बड़ा खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने उन्हें इस मुकाम से पहुँचाया है। शब्बीर का कहना है कि जीशान खास तौर पर माजूर अफराद के लिए एक रोल मॉडल है जिनका पैगाम है कि इंसान को हर हाल में जिंदगी से लड़ना चाहिए और माजूरी को शिकस्त देनी चाहिए। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। किस्मत क्या होती है, बदकिस्मती क्या होती है, इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसकी मर्जी जिसे जैसा चाहे रखे। शब्बीर ने शुजाबाद में एक ऐसे ही खानदान को देखा है जो एक दूसरे का सहारा तो हैं, लेकिन खुदा के सिवा उनका कोई सहारा नहीं। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। फुटेज में नजर आने वाले लोग बस्ती मोचीपुरा के रिहायशी हैं। ये सब आपस में बहन भाई हैं, तीन भाई और तीन बहनें। ये सब छह के छह भाई बहन माजूर हैं और पैदाइशी माजूर हैं। मोहम्मद सुल्तान जो इस घर का सरबरा है उसका ही दिल जानता है कि वो अपने माजूर बच्चों को देखता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। 17-18 बरस पहले सुल्तान की शादी अपनी ही एक कजन से हुई थी। सुल्तान एक भट्टा मजदूर है, शादी पर वो बहुत खुश था कि आगे चलकर वो साहिब औलाद होगा तो उसको पढ़ाएगा लिखाएगा, लेकिन ये सारे ख्वाब एक एक करके चकनाचूर होते चले गए। सुल्तान के हाँ तीन बेटे और तीन बेटियां हुई और ये सब बच्चे माजूर ही पैदा हुए।
गरीब भट्टा मजदूर सुल्तान ने खुदा की मर्जी पर सब्र किया और बच्चों को पालने और उनके इलाज मुआलजे के लिए पहले से बढ़कर मेहनत करना शुरू कर दी। बच्चों को तालीम दिलाने का भी ख्याल आया, लेकिन इंतहाई कलील आमदनी में पेट भर कर खाना मिलना ही एक ख्वाब था, तो बच्चों को तालीम कैसे दिलाई जाती। सुल्तान के आंगन में तुलू होने वाला दिन पहले से ज्यादा मायूस और दुख के साए फैलाकर गुरूब हो जाता है। ये सब लोग जिन्हें आप देख रहे हैं किसी न किसी तरह मजदूरों वाली गाड़ियों पर इधर उधर आने जाने की कोशिश करते रहते हैं। छट टपकता छोटा सा एक कमरे का मकान इसके मकीनों के लिए आसरा तो है, लेकिन इसका किराया अदा करना भी एक अकेले गरीब बाप के लिए आसान नहीं। सुल्तान की बेटियां और बेटे सारा दिन आंगन और सहन में गुजारते हैं। सुल्तान के बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर का कहना है कि बीमारी लाइलाज नहीं है, इसके लिए पहले टेस्ट करवाने होंगे। कजन मैरिज में मैंने देखा है कि अब मेरे आउटडोर में पैदाइशी माजूर बच्चे और एक ही खानदान के 6 बच्चे तक मैंने देखे हैं जो पैदाइशी माजूर होके हमारे पास आ रहे हैं, और मैंने हिस्ट्री ली तो पता चला कि ये दोनों माँ बाप जो हैं वो फर्स्ट कजन हैं। तो फैमिली में देख लेना चाहिए कि अगर आपके खानदान में थैलेसीमिया के बच्चे पैदा हो रहे हैं या पैदाइशी माजूर सेरिब्रल पाल्सी से बच्चे आ रहे हैं, मसल डिस्ट्रॉफी के बच्चे आ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उस खानदान में फर्स्ट कजन मैरिज जो है उसे अवॉइड करें खास तौर पे। और अगर बहुत जरूरी है कजन मैरिज खानदान में होता है तो फिर जेनेटिक टाइपिंग टेस्टिंग होती है, ब्लड में क्रोमोसोम्स के और जीन्स के टेस्ट हैं जो पहले से बता देते हैं कि ये जो एक्सपेक्टेड मदर और फादर हैं इनके जीन्स में किसी किस्म की मौरूसी बीमारी की अलामत हैं या नहीं। शब्बीर ने सुल्तान के बच्चों के इलाज और उनकी तालीम और रिहाइश के लिए मुखय्यर हजरात से अपील की है और कहा है कि हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए बल्कि दूसरों का ख्याल भी रखना चाहिए। कजन से शादी हुई है, 6 बच्चे हैं, 6 के 6 की माजूर है। मैंने इनका बहुत इलाज करवाया और बहुत जो कोशिश हुई मेरे से मैंने पूरी करी। मेरी हुकूमत से अपील है मेरी माली मदद की जाए ताकि मैं बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकूं और अच्छा खाना पीना उनको दे सकूं। हम 6 भाई बहन हैं, वो पैदाशी मजदूर हैं। अब्बू पढ़ा इसलिए पढ़ा नहीं सके, उनके पास पैसे नहीं थे। हुकूमत से अपील है कि हमारी माली मदद की जाए। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। जब जमीनें तकसीम होती हैं, जब नई सरहदों की नई नई लकीरें उभरने लगती हैं, तो सूरज भी हस्बे मामूल निकलता है और चमकता है, और चांद सितारे भी अपनी चमक दमक से महरूम नहीं होते। अलबत्ता इंसान तकसीम हो जाते हैं एक दूसरे के लिए अजनबी। कुछ ऐसा ही हुआ उस वक्त जब पाकिस्तान का एक हिस्सा टूटकर बांग्लादेश बन गया और कारी अब्दुल कबीर जो कभी पाकिस्तानी थे बांग्लादेशी हो गए। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर अभी जिन कारी साहब का जिक्र कर रहा था वो ये है जो एक छोटी सी मस्जिद में बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारी अब्दुल कबीर को बांग्लादेशी कहा जाए या पाकिस्तानी ये शब्बीर नहीं जानता। उसको तो सिर्फ इतना पता है कि वो 40 साल पहले रोजगार की तलाश में पाकिस्तान आए थे और फिर यहीं के हो रहे हैं। कारी अब्दुल कबीर की कहानी निहायत ही दर्दनाक है। जब वो 40 बरस पहले रोजगार की तलाश में आए तो उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां और एक बेटा था। रोजगार की तलाश में फिरते फिराते कारी अब्दुल कबीर सराय मुगल के नवाही इलाके शखीम पहुंच गए और एक मस्जिद में इमामत करने लगे। वो जो कहते हैं कि जब इंसान पर कोई मुसीबत आती है तो फिर चारों तरफ से यलगार होने लगती है। एक तो अजनबी शहर, रहने का कोई ठिकाना नहीं, रोजगार का भी कोई आसरा नहीं, ले देकर एक अल्लाह का घर बचा था जिसका रुख किया गया। ये सोच कर कि ये मस्जिद है वो और उनके कागजात का थैला महफूज रहेगा, इत्मीनान से इमामत करने लगे। इसी दौरान किसी ने उनका सफरी थैला चुरा लिया जिसके बाद उनकी शनाख्त ही खत्म हो गई और जो थोड़े बहुत पैसे थे उनके पास वो भी चुरा लिए गए। कारी अब्दुल कबीर के पास अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था कि खुद को तकदीर के हवाले कर देते। मस्जिद वालों ने नेक और शरीफ आदमी समझकर उन्हें इमामत पर मुलाजमत रख लिया और मस्जिद में सोने की इजाजत भी दे दी। कारी अब्दुल कबीर को अपनी बीवी बच्चों से बिछड़े 40 बरस हो चुके थे। एक दिन मोहल्ले के एक नौजवान ने नमाज के बाद कारी अब्दुल कबीर से उनकी कहानी सुनने पर इसरार किया और फिर उस वीडियो को वायरल भी कर दिया। वीडियो का वायरल होना था कि कारी अब्दुल कबीर की 40 साल बेटी ने अपने बाप को पहचान लिया
और जब उसे पता चला कि उसके बूढ़े बाप के पास सफरी शनाख्त तक नहीं है तो वो मायूस हो गई कि बाप के जिंदा होते हुए वो शायद ही कभी उससे मिल सके। बेटी तो आखिर बेटी होती है, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपील की कि उसके बाप को किसी तरह बांग्लादेश भेजा जाए। शब्बीर ने जब कारी अब्दुल कबीर को देखा तो वो एक शदीद उदास इंसान लगे। जाहिर है जिसकी कोई शनाख्त ना हो, जो अपने बीवी बच्चों से बिछड़ा हुआ हो, वो इंसान मुस्कुरा भी दे तो बहुत बड़ी बात है। बंगाल से गुरबत की वजह से मगरिब पाकिस्तान पहुंचा था। 40 साल के बाद मेरे पास ना कागज था ना पैसे, जो कुछ था सब कुछ गुम हो गया। लिहाजा मैं आला हुकाम से आरज़ करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आज इतना दरख्वास्त है कि बड़ा मेहरबानी हमें ढाका में पहुँचाया जाए। এখন আমার বাবাকে আমরা বাংলাদেশে আনতে চাই, আমার বাবাকে আমরা দেখতে চাই। আপনাদের কাছে একটু অনুরোধ, আমার বাবাকে আপনারা দেশে ফিরাইয়া দেন। কারি আব্দুল কবির নে শব্বির কো বাতায়া থা কে পাকিস্তান আনে সে পহলে ও বাংলাদেশ মে কিসি কে পাস খেতি বাড়ি করতে থে অর বচ্চো কো কুরআন পড়াতে থে। কারি আব্দুল কবির কো জো 250 রুপে মসজিদ সে মিলতে থে, আব ও ভি নহি মিলতে। মহল্লে পড়োস কে লোগ উনে কুছ না কুছ খানে পিনে কো দে জাতে হ্যায়। शब्बीर ने इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों से अपील की है कि कारी अब्दुल कबीर को उनके अहले खाना से मिलाने में उनकी मदद करें। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक्य से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ करंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज़, शब्बीर तो देखेगा।